आजकल लोग छोटी छोटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हमारे घर में ही मौजूद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चुटकियों में हमें कंफर्ट दिला सकती हैं। उन्हीं में से एक चीज़ की हम बात करेंगे, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, पीले रंग की बात होगी तो मैं हल्दी की बात करूँगी। तो जानिए आपके हेल्थ में ये क्या बेनिफिट दे सकती है। हल्दी और मुनक्का इक्वल क्वांटिटी में लेकर पीस लीजिए। आपको सूखी हल्दी लेनी है, इसे दिन में 3 बार लेने से एसिडिटी में आपको आराम मिलता है। दही में हल्की सी कच्ची हल्दी मिलाकर खाने से आपको जॉन्डिस के समय पर बेनिफिट मिलता है। छाछ में हल्दी मिलाकर पीने से लूज मोशन ठीक होते हैं। हल्दी और पिसा हुआ कच्चा पपीता, इन दोनों को मिलाकर सरसों के तेल में पकाकर फटी हुई एड़ी पर लगाने से आपकी एड़ी, आपकी हील्स ठीक होती हैं। और सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर लिप्स के आसपास और नाभि के अंदर लगाने से जो लिप्स में ड्राइनेस होती है इस मौसम में, होंठ फटते हैं ना, वो ठीक होता है। और हड्डी टूटने पर जब तक प्लास्टर है तब तक आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम पीने से बॉडी में, हड्डियों में मजबूती आती है और दर्द में आराम मिलता है। बसंत पंचमी जो है बेसिकली ये ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती माँ की जयंती के रूप में मनाई जाती है। जिस तरह से धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा के लिए दीपावली का दिन है, शक्ति की देवी दुर्गा माँ के लिए नवरात्रि पूरा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक उसी तरह ज्ञान यानी कि इंटेलिजेंस, विजडम, संगीत, कला, स्किल्स, साइंस और हर तरीके की शिल्प कला स्किल्स में सरस्वती माँ की पूजा के लिए बसंत पंचमी इम्पोर्टेंट है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। बसंत पंचमी सरस्वती माँ की मुहूर्त पूजा का मुहूर्त 7:05 से दोपहर 12:41 तक है, तो आप जरूर पूजा करें। ये पीरियड 5:36 का है। आज क्या करें, आज घर में सरस्वती माँ की पूजा जरूर करें। आज सफ़ेद या फिर पीले रंग के कपड़े पहने। माँ सरस्वती की पूजा में उन्हें सरसों या गेंदे के फूल को चढ़ाना बहुत शुभ रहता है। बच्चे या बड़े किसी भी तरीके की पढ़ाई का, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेवरेबल होगा अगर वो ये काम करते हैं। आज आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर में सरस्वती माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप अपने डेस्क पर तो कर सकते हैं, इतना कर लीजिए, आपकी फेम और प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी न्यू प्रोजेक्ट या न्यू बिजनेस की शुरुआत के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज आप अपने पितरों के लिए तर्पण भी कर सकते हैं, इससे रुकी हुई सफलता के रास्ते खुलेंगे। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज से साल 2022 के लिए गृह प्रवेश के लिए बहुत शुभ दिन है। तो आज के दिन आप कोई नया काम, कोई नया गृह प्रवेश, ये सब कुछ कर सकते हैं। और सोच समझ कर कोई भी चीज़ अगर सही दिन की जाए तो उसके हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आज गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:06 से दोपहर के 3:46 यानी कि 3:46 PM तक। तो आप घर पर इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आज मैं आपको एक स्पेशल वास्तु टिप देने वाली हूँ। एक, आप माँ सरस्वती की फ़ोटो को कहाँ लगाएं, आज अपने घर में मंदिर में कैसे लगाएं, किस चीज़ का भोग लगाएं। और सेकेंडली, आज आप मिरर्स को कैसे लगा सकते हैं अपने वर्क एरिया में, वर्क को ग्रो करने के लिए, ये जानते हैं। आज बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि माँ सरस्वती का दिन है, आप स्प्रे बॉटल से बच्चों के कमरे में आप सोने से पहले लैवेंडर एंड कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल को स्प्रे करें। इससे कामनेस रहेगी बच्चों के कमरों में। उनके अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स आज के दिन क्लीन करें अगर लगे हुए हैं तो, और नहीं लगे हुए हैं तो लगाएं। साथ में बच्चों के इंटरेस्ट से जुड़ी किसी कोई खास जो उनका, जिसको वो आइडलाइज करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, उनकी तस्वीर को टांगें। आज के दिन आप अपने घर में, मंदिर में माँ सरस्वती को स्थापित कर सकते हैं। आज आप पीले चावल और उसमें शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर उसका भोग लगा सकते हैं। आज ये भोग आज आप गरीबों में बांट सकते हैं। येलो इज़ द कलर विच ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी, जॉय, हैप्पीनेस इन लाइफ। आज के दिन हम स्प्रिंग को वेलकम करते हैं, यानी कि चीज़ें खिलने लगती हैं। तो जिस भी चीज़ को आपको एक्सपैंड करना है, ब्लॉसम करना है, जिस चीज़ को ग्रो करना है, आज के दिन उसका बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन आप शॉप में मिरर लगाएं, जिससे दुकान, कस्टमर्स भरी भरी लगे, क्योंकि डबल का इफेक्ट देता है ना। लेकिन मिरर सिर्फ नॉर्थ में लगाएंगे, जिससे हर चीज़ में प्रोग्रेस हो।
लेकिन ध्यान ये देना है कि मिरर में मेन डोर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो एंट्री और एग्जिट में कंफ्यूजन हो जाता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का। मुझे उम्मीद है कि बसंत पंचमी का दिन आप बहुत अच्छे से खुशियों से मनाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो आज के दिन आप येलो कलर के फूलों का वॉलपेपर अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर लगा लीजिए, टू ब्रिंग स्प्रिंग, टू ब्रिंग हैप्पीनेस, टू ब्रिंग ब्लॉसमिंग इन योर लाइफ। आज के दिन अगर पॉसिबल हो तो पीले फूल किसी से खरीद के, तोड़िए नहीं, मैं तोड़ने के हक में नहीं हूँ, पर पीले फूल खरीद के ताकि किसी का रोजगार चले, आप माँ सरस्वती के आगे मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। आज आप येलो स्वीट्स गरीबों को बांट सकते हैं। आज के दिन पीला बांटेंगे तो ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। सो गो आउट एंड शेयर। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी आपकी नई डेवलपमेंट के साथ, नई ग्रोथ के साथ, नए चीज़ों के साथ। आपसे कल बात करूंगी। अपना ख्याल रखिए। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।